हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेरी वीकेंड। सो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन। आप इसको चैप्टर वन भी बोल सकते हैं और टू बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सी एनसीईआरटी है, नई वाली है पुरानी वाली। तो इसमें जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हेनरीज लॉ। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेनरीज लॉ। देखो इस चैप्टर में हमें तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले टाइप का सॉल्यूशन है व्हेन गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, दूसरा टाइप का सॉल्यूशन रहेगा व्हेन लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, और तीसरा टाइप का सॉल्यूशन रहेगा When a solid is dissolved in a liquid। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़ने हैं हमें। इनमें से जो फर्स्ट वाला है when gas is dissolved in liquid, ये हम पढ़ने वाले हैं under the concept of Henry's law। तो इसमें हम देखेंगे कि Henry's law क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, इसके अलावा उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। तो चलो बच्चों अपने रंग बिरंगे पेन और गोरे पन्ने वाली कॉपी निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो जब भी हम बात करते हैं Henry's law की, तो हम बात करते हैं कि जब हम एक गैस को डिजोल्व करते हैं किसी लिक्विड में, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अगर पेप्सी है, तो ये बोतल हमारे पास, तो इसमें अगर पेप्सी भरा हुआ है, तो देखो आप क्या देखते हो कि इसमें से जैसे इसकी ढक्कन ओपन होती है वैसे क्या होता है, इसमें से जो फिज है, फिज आता है, जो बबल है वो बनते हैं। और बबल जो है वो किस चीज के बनते हैं, बबल बनते हैं CO2 गैस के। अब CO2 गैस जो लिक्विड में डिजोल्व थी वो क्या हो रही है, वो यहां से निकल निकल के बाहर जा रही है। जब जैसे ढक्कन खुलेगा वैसी जो गैस होती है वो निकल निकल के यहां से बाहर स्किप करना चाहेगी। मगर जब तक ढक्कन बंद था तब तक क्या था, गैस जो थी वो लिक्विड में डिजोल्व थी। तो हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो टॉपिक डालेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसमें से सबसे पहला फैक्टर आता है वो है नेचर ऑफ द गैस। देखो नेचर ऑफ द गैस में क्या होता है, जैसे हमारे पास दो लिक्विड है, यहां पर दो कंटेनर हमारे पास और दोनों में पानी भरा हुआ है, और हमारे पास दो गैस हैं, एक गैस ए है और एक गैस बी है। हम गैस ए को पानी में घोलना चाहते हैं और गैस बी को पानी में घोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो गैस ज्यादा इजीली लिक्विड बन जाती है वो ज्यादा आसानी से पानी में घुल जाती है। जैसे अगर हम बात करें अमोनिया की और ऑक्सीजन की, अगर हम इन दोनों की सॉल्युबिलिटी चेक करें वाटर में, तो क्योंकि अमोनिया एक ज्यादा बेटर लिक्विफाइबल गैस है, अमोनिया को हम इजीली लिक्विड बना सकते हैं। आपने अपने स्कूल लेवल में देखा होगा कि जो अमोनिया है वो बोतल भर के रखा हुआ रहता है, मगर आपने ऑक्सीजन नहीं देखा होगा जो बोतल भर के रखा हुआ रहता है। अमोनिया जो है इजीली लिक्विड बन जाता है, तो जो गैस इजीली लिक्विड बन जाती है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है एज कंपेरिजन टू दैट गैस जो कि इजीली लिक्विड नहीं बन पाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। तो जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती है दे टेंड्स टू बी मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू गैस जो कि इजीली लिक्विफाइबल नहीं होती है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, तो पहला एग्जांपल दिया ही आपको, जैसे अगर हमारे पास अमोनिया है और ऑक्सीजन है, तो अमोनिया ऑक्सीजन में से ज्यादा इजीली लिक्विफाइबल कौन है, अमोनिया इज मोर इजीली लिक्विफाइबल, तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, अमोनिया। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल ले लें अमोनिया और एसिड टू का, तो ज्यादा सॉल्युबल कौन है, इस केस में भी अमोनिया है, इट इज मोर सॉल्युबल। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें अगर हम एसिड टू गैस का और एन टू गैस का, तो उस केस में जो एसिड टू है इट इज मोर सॉल्युबल। इसके अलावा इसी के अंडर एक सब पॉइंट आता है, पोलर गैसेस आर मोर सॉल्युबल देन नॉन पोलर गैसेस। तो जैसे पोलर गैस का एग्जांपल ले लेते हैं SO2, और हमारे पास N2 है नॉन पोलर। सो SO2 पोलर क्यों है, क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो आता है। अगर आप SO2 का निकालोगे स्ट्रक्चर बना के डाइपोल, तो इसका कुछ डाइपोल आएगा, और N2 जो है वो नॉन पोलर होता है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जीरो है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला नाइट्रोजन है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला नाइट्रोजन है। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों बराबर बराबर खींचेंगे, तो डाइपोल क्या आ जाएगा, जीरो। तो SO2 हुआ ज्यादा पोलर, सो SO2 का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा, और SO2 की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। सो जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं वो कम सॉल्युबल होती हैं, और जो पोलर गैसेस होती हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। सो ये सबसे पहला फैक्टर था कि जो हमारे पास ज्यादा इजिली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं दे आर मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू दैट गैसेस जो इजिली लिक्विफाइबल नहीं होती हैं। इसके अलावा इसी के अंदर हमने देखा एक सब पॉइंट जो कि ये बताता है कि पोलर गैसेस जो हैं दे आर मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू नॉन पोलर गैसेस। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड में देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो पहले से समझते हैं, लिखेंगे बाद में। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए है हमारे पास एक पेप्सी की बोतल। अब देखो जब भी हम पेप्सी या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, और वी कैन सिंपली से जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, दे आर सर्व चिल्ड, उसे ठंडा ही सर्व किया जाता है, कभी गर्म पेप्सी नहीं पी जाती है। अगर आपने कभी गर्म पेप्सी पी हो तो देखना कि डिफरेंस क्या होता है ठंडी पेप्सी पीने में, गर्म पेप्सी पीने में। कोल्ड पेप्सी होती है उसमें क्या होगा,
जो फ्रीज है वो आता है। इसके अलावा जैसे आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीद के लाई, उसे खोल के रख लिया और फ्रिज में नहीं रखा, वो ऐसे बाहर पड़ा हुआ है, ऐसे बाहर पड़ा रहा 2 दिन, फिर आपने इसको ढक्कन खोल के पिया, तो जो टेस्ट आपको पहले दिन आया था उसको पीने में, वो टेस्ट दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि क्या हुआ, कुछ पेप्सी वो क्या चुकी है, वो हो चुकी गर्म, और गर्म होने से क्या होता है, जो गैस है वो लिक्विड छोड़ के और बाहर चली जाती है। जो भी पेप्सी में या कोल्ड ड्रिंक्स में जो फीस आता है वो क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में क्या भरा हुआ रहता है, उसमें गैस घुली रहती है, और गैस ज्यादा कब घुली रहेगी, जब ठंडा होता है, इसलिए ठंडी पेप्सी पीने में फीस आता है। कभी गर्म पेप्सी पी के देखना, आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो ठंडी पेप्सी पीने में आता है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो उस केस में गैस जो है ज्यादा सॉल्युबल होती है, तो यही हमारा सेकेंड फैक्टर है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर आता है हमारा प्रेशर। सो देखो दोबारा से एग्जांपल लेते हैं पेप्सी का। सो जो भी पेप्सी की बोतल है, कोई भी कोला ड्रिंक्स की बोतल जो होती है, जब आपने उसे खरीदा होगा तो उसे दबा के देखना, कभी वो दबेगी ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर भरा हुआ रहता है। या सोडा की बोतल हो, उसे दबाना, तो दबाने पर क्या होगा, वो दबेगी ही नहीं बोतल। क्यों? उसके अंदर प्रेशराइज करके पूरा भर रखा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे ही आप खोलते हैं बोतल का ढक्कन, वैसे क्या होता है, अचानक से गैस जो है बाहर निकलती है, क्योंकि जो प्रेशर है वो क्या हो गया, हट गया है। तो जैसे ही प्रेशर हट गया, तो अंदर क्योंकि जो CO2 है उसका प्रेशर ज्यादा था, तो जब अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा है और बाहर कम है, तो गैस कहाँ जाएगी, अंदर से बाहर जाएगी। तो नॉर्मल अगर हम बात करें एटमोसफेयर की, तो एटमोसफेयर में जो CO2 होता है वो 0.03% होता है, और जो हमने लिक्विड ले रखा है उस लिक्विड में तो भर भर के CO2 है, तो लिक्विड में जो CO2 का कंसेंट्रेशन है क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा कंसेंट्रेशन से गैस कहाँ मूव करेगी, जहां उसका कम कंसेंट्रेशन है। एटमॉस्फेयर में क्योंकि कंसेंट्रेशन कम है, तो गैस कहां मूव कर जाएगी, गैस मूव करना चाहेगी बाहर। सो जब भी पेप्सी या कोई भी दूसरी कोला ड्रिंक्स भरी जाती है, तो भरी जाती है हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर पे भरने से क्या होगा, उनमें जो गैस है वो क्या होगी, वो ज्यादा सॉल्युबल होगी। तो यही है प्रेशर का इफेक्ट, लिख लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। और यही हमारा जो मेन है वो स्टडी किया था किसने, हेनरी ने स्टडी किया था, और उसके ऊपर एक लॉ बन गया है, दैट इज हेनरी लॉ। यही बात करें हेनरी लॉ की, तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रेशर की ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सो हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहां से हम दो तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई कंटेनर है, कंटेनर में अगर हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है, अगर उसमें गैस डालते हैं, सो गैस का जो मास होगा डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाई। जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, उतना ही ज्यादा गैस क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। सो मास ऑफ गैस डिजॉल्व, कितना गैस डिजॉल्व हुआ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर। सो यहां से जब हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो आ जाएगा हमारे पास एक कॉन्स्टेंट, दैट इज KH, और यहां पर आ जाएगा P। सो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये बनता है, मगर इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो दूसरा यूज करेंगे। सो यहां पर क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सो पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। यहां से हम हटाएंगे साइन प्रोपोर्शनलिटी का, तो यहां पर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, दैट इज KH, और ये हमारा काई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स में। अब देखो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहली बात तो जो P है, P क्या है, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या है, कि जैसे हमारे पास लिक्विड है और यहाँ एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। सो नाइट्रोजन का अगर हम घुलना देखें पानी में, सो नाइट्रोजन का घुलना पानी में सिर्फ नाइट्रोजन के प्रेशर पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि नाइट्रोजन कितना घुलेगा। सो जो गैस घुल रही है सिर्फ उसी का पार्शियल प्रेशर जो है उसके डिसोल्यूशन को इफेक्ट करेगा, कोई दूसरी गैस का जो प्रेशर है वो किसी और गैस के डिसोल्यूशन को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो जिस गैस का हम निकालना चाहेंगे सॉल्युबिलिटी, पार्शियल प्रेशर भी उसी गैस का लिया जाएगा। यहां पर KH है, KH इज हेनरी कॉन्स्टेंट। हेनरी कॉन्स्टेंट इज नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी हेनरी कॉन्स्टेंट के बारे में, वो हम देखेंगे। सो हेनरी कॉन्स्टेंट ये जो है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, हर गैस के लिए अलग अलग रहता है। इसके अलावा डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, एक ही गैस के लिए जो हेनरी कॉन्स्टेंट है वो अलग अलग भी हो सकता है अलग अलग सॉल्वेंट में। लाइक अगर मैं CO2 घोलूं पानी में, और अगर हम CO2 घोलें लाइक इथेनॉल में, सो CO2 की सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में वो अलग होगी, और CO2 की सॉल्युबिलिटी इथेनॉल में अलग होगी। तो दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम प्रेशर पे अलग अलग हो सकती है, और वी कैन से अलग अलग होगी इन डिफरेंट सॉल्वेंट।
सो अगर सॉलिबिलिटी अलग है तो उसका हेनरी कॉन्स्टेंट वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सो हेनरी कॉन्स्टेंट जो है ये गैस पे तो डिपेंड करता करता है, इसके अलावा जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। इसका क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, मगर ये जो तो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये असेसर रीजन में आ सकते हैं। सो केएच हो गया हमारा हेनरी कॉन्स्टेंट, इसके अलावा काई क्या है हमारा, काई इज मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बता रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको बोलेगी सॉल्युबिलिटी निकालो तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिस भी गैस का निकालना है उसका ऊपर रखेंगे मोल और नीचे रखेंगे टोटल मोल, और बहुत सारे केसेस में सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो उस केस में ऊपर रखेंगे हम सॉल्यूट का मोल, नीचे रखेंगे हम सॉल्वेंट का मोल। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज किया करेंगे मोल फ्रैक्शन का। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसमें हमने तीन चीजें देखी। सबसे पहले देखा हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि जो इजी लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं, इजी लिक्विफाइबल गैसेस आर मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू द नॉन इजी लिक्विफाइबल गैसेस। इसके अलावा जो हमने दूसरा देखा वो देखा हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना कम रहेगा गैसेज जो है उतनी ज्यादा सॉल्युबल होती है, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा गैसेज सॉल्युबल नहीं होंगी। और तीसरा हमने देखा प्रेशर का, जिसमें हमने देखा हेनरीज लॉ, जिसमें देखा हमने कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा किसी गैस का वो गैस उतनी ही ज्यादा सॉल्युबल होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है कि जो हम सॉल्युबिलिटी बताएंगे हम विद द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या बता रही है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन बता रही है सॉल्युबिलिटी। तो जब भी बात करें सॉल्युबिलिटी निकालने की तो क्या निकाला जाएगा, निकाला जाएगा मोल फ्रैक्शन। सो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख भी सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। और वी कैन से जो मोल फ्रैक्शन है वही क्या है, वही सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन द हेनरी कॉन्स्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी और हेनरी कॉन्स्टेंट में क्या रिलेशन होता है। अब देखो जो फॉर्मूला देखा हमने वो देखा हमने पी इज इक्वल टू के एच, एक्स बोल लो काई बोल लो इसे। अब देखो यहां पर जो ये है काई, ये सॉल्युबिलिटी है और के एच हमारा हेनरी कॉन्स्टेंट है। अगर मैं प्रेशर कॉन्स्टेंट रखता हूं तो यहां पर के एच विल बी इक्वल टू वन बाई काई, इस तरह से आ जाएगा। तो यहां पर जो हेनरी कॉन्स्टेंट और सॉल्युबिलिटी है कैसे वेरी कर रहे हैं, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। मीन्स मोर द वैल्यू ऑफ के एच लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी, और वी कैन से वाइस वर्सा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं। सो एक सब हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लेंगे, मोर द वैल्यू ऑफ के एच लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा के एच की वैल्यू रहेगी सॉल्युबिलिटी जो है उतनी ही कम होगी। जैसे इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, जैसे हमारे पास तीन गैसेस हैं एबीसी और हमें दे रखी है हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू, एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं कोई भी। सो ए की जो वैल्यू है वो लाइक सपोज करो 10 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 2 है। तीन गैसेस हैं हमारे पास एबीसी और हमें दे रखी है के एच की वैल्यू, हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल है। सो देखो के एच और सॉल्युबिलिटी ये कैसे वेरी करते हैं, इनवर्सली वेरी करते हैं। मोर द वैल्यू ऑफ के एच लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी। सो इन तीनों में से सबसे ज्यादा के एच की वैल्यू किसकी है, ए की। तो ए जो है वो सबसे कम सॉल्युबल होगा, सबसे कम वैल्यू किसकी है, सी की। तो सी जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो गैस सी इज मोर सॉल्युबल अमंग द थ्री। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ही आ जाता है कि पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी और हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे रखी होती है। सो सिंपल सा है, जिस गैस की हेनरी कॉन्स्टेंट जो है सबसे कम हो वो ज्यादा सॉल्युबल होगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है यूनिट ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट, हेनरी कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होगी। अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, P इज इक्वल टू के एच एक्स या काई बोल लो। अब यहां पर देखो जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, ऊपर भी मोल रहते हैं नीचे भी मोल रहते हैं, सो मोल से मोल कट गया। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस होता है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। सो मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है तो इसको हटा दो। सो जो हेनरी कॉन्स्टेंट है किसके इक्वल आ गया, प्रेशर के इक्वल आ गया। सो जो यूनिट्स प्रेशर की रहती हैं, चाहे वो ले ले हम MMHG में, चाहे ले ले हम बार में, चाहे ले ले हम ATM में, चाहे ले ले हम पास्कल में, या चाहे ले ले हम टोर में, हम कोई सी यूनिट ले लें प्रेशर की, वो सारी यूनिट किसकी होंगी, हेनरी कॉन्स्टेंट की यूनिट होंगी। सो जो यूनिट प्रेशर की होती है वही सेम यूनिट किसकी होती है, हेनरी कॉन्स्टेंट की होती है। सो इसे लिख लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, pH हैज सेम यूनिट एज प्रेशर। थर्ड जिसमें पॉइंट आ जाता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KH, KH और टेम्परेचर ये कैसे वेरी करेंगे एक दूसरे के साथ। अब देखो बहुत सिंपल सा है, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर कैसे वेरी करती है, सॉल्युबिलिटी वेरीज यूनिवर्सली विद टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी कम रहेगी, अभी देखा था हमने पीछे ऊपर केस में।
दूसरा, जो सॉल्युबिलिटी है वो हेनरी कांस्टेंट से कैसे वेरी कर रही है, वो भी इनवर्सली वेरी कर रही है। जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो बताओ कि जो KH है और टेम्परेचर है ये कैसे वेरी कर रहे होंगे। सिंपल सिंपल दिख रहा है, दोनों सॉल्युबिलिटी से इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, तो आपस में कैसे वेरी कर रहे होंगे, आपस में वेरी कर रहे होंगे वो डायरेक्टली। ठीक है, मोर द टेम्परेचर मोर द वैल्यू ऑफ KH। सो जो KH है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा एक चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, सेम गैस हैज डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट। जैसे ऊपर आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास लिक्विड है, एक में भरा हुआ है वाटर और एक में भरा हुआ है इथेनॉल, या कोई भी दूसरा लिक्विड ले लो जो आपको लेना है, और उसमें हम क्या खोल रहे हैं, उसमें हम घोल रहे हैं CO2। सो वाटर में जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होगी वो कुछ अलग हुआ करती है, और इथेनॉल में जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो कुछ अलग हुआ करती है। सो सेम गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग होगी। इसका मतलब जो KH है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। सो ये सब ऐसे रीजन के बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं कि KH किसके ऊपर डिपेंड करता है या किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो KH जो है देखो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो पहले तो यही हो गया कि KH इज डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट। दूसरा ये हो गया कि KH जो है वो टेम्परेचर से भी डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। सो ये थी KH के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सो फाइनली वो समराइज कर ले कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच इफेक्ट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH हेनरी लॉ कांस्टेंट का कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो है नेचर ऑफ द गैस, गैस अलग तो हेनरी कांस्टेंट अलग। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे बताया आपको एक ही गैस अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग तरीके से डिजोल्व हो सकती है। सो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि गैस कितनी डिजोल्व होगी। तीसरा टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, और चौथा प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो चार चीजें हैं जिसके ऊपर जो हेनरी कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका। नेक्स्ट जो इसमें एक चीज आती है वो देख लेते हैं कि हम हेनरी लॉ का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे जनरली जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि यहाँ पर हमारे पास मास होगा और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर होगा। सो मास और प्रेशर में हमें ड्रॉ करना रहता है ग्राफ और हेनरी लॉ। सो देखो मास और प्रेशर कैसे रिलेट करते हैं, मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहां से हमने इसको हटाया तो क्या लगा दिया था, एक हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया था। सो अगर हम इसमें y इज्कल टू mx प्लस c वाला इक्वेशन लगा दें, जो लाइन की इक्वेशन होती है, सो y एक्सिस पे तो आ गया हमारा मास, ये रहा मास, और x एक्सिस पे हमारा प्रेशर है, ये रहा प्रेशर। इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, जीरो है, तो जो हमारा ग्राफ है वो स्टार्ट होगा जीरो से, और स्लोप इसका k है। सो ये चला जाएगा ऐसे, यहां पर ये जो होगा स्लोप tan थीटा, ये होगा किसके इक्वल, ये होगा k के इक्वल, और यू कैन से द KH। तो एक ग्राफ तो ये हो जाएगा हमारे पास हेनरी लॉ के लिए। इसके अलावा अगर हम इसी वाली इक्वेशन में लॉग ले लें, तो लॉग लेने के बाद कैसा होगा चलिए देखते हैं उसको। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अगर लॉग ले लिया तो ये हो गया हमारे पास log m इक्वल टू log KH p। अब यहां पर प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग की, लॉग ए इंटू बी की, यहां पर क्या हो जाएगा लॉग KH प्लस लॉग पी, और ये तो लॉग एम रहा ही रहा। तो यहां पर हम दोबारा से इक्वेशन यूज करेंगे लाइन की, वाई इक्वल टू एम एक्स, और ये हमारे पास सी हो गया। तो यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, सो एक्स एक्सिस पे लिया है हमने लॉग पी को, और जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस पे लिया है हमने लॉग एम को। अच्छा ये सारे जो है लॉग ये नेचुरल लॉग है, क्योंकि अभी हमने 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो सारे ही लॉग जो है नेचुरल लॉग है। अब देखो यहां पर कुछ इंटरसेप्ट आ रहा है, सो ग्राफ जो है हमारा वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा इस तरह से। तो ये ग्राफ भी किसका है, ये ग्राफ भी हेनरी लॉ का है। सो हेनरी लॉ के हमने दो ग्राफ देख लिए, एक तो ऐसा जो बिना लॉक का है और जो कहां से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा जो लॉक के साथ है और उसमें ये वाला जो इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू है लॉग KH। सो ये दो ग्राफ हो गए हमारे पास हेनरी लॉ के। इसके ऊपर 2019 में जेई में क्वेश्चन भी आया था, अभी देखेंगे उस क्वेश्चन को कैसा था वो। अब देख लेते हैं हेनरी लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में देखेंगे हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम हेनरी लॉ का। क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस है जिसका जो हेनरी कांस्टेंट है वो दे रखा है 76.5
48 किलो बार। ये दे रखा है हमें 4 नाइट्रोजन गैस, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और नाइट्रोजन को हमने डिसॉल्व किया है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, उसका प्रेशर है 0.987 बार। इस प्रेशर पे हम नाइट्रोजन को घोल रहे हैं 1 लीटर वाटर में, हमें बताना है कितना नाइट्रोजन घुल जाएगा। अब देखो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन कितना दे रखा है हमें, 0.987 बार। क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका कि जो जो हमें दे रखा है वो उसको लिख लो। यहाँ पर जो सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्वेंट वाटर कितना है, 1 लीटर है। जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है 76.48 किलो बार। किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, उसको हटा लेंगे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। अब देखो यहां पर जो फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला इज पी इक्वल टू के एच एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। हमें पार्शियल प्रेशर पता है, पी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू पता है, क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो चलो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। सो प्रेशर हमें दे रखा है 0.987 और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे 76.480। मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, के को मैंने हटा दिया यहां से। सो यहां पर जैसे सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 1.29 × 10⁵ - 5। सो ये तो आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिली मोल्स, तो हमें मोल्स की तरफ जाना है। अब देखो ये निकला है, ये निकला है मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन। अब बताओ कि जो मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन को कैसे निकला होगा, ऊपर रखा होगा हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन और नीचे रखा होगा हमने टोटल मोल। तो टोटल मोल में एक तो नाइट्रोजन का मोल और एक तो वाटर का मोल, इस तरह से निकला होगा नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहां पर क्योंकि पानी में नाइट्रोजन जो है बहुत ही कम घुला हुआ है, तो क्यों ना हम इसे अप्रोक्स में ऐसे ही लिख लें, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और क्यों लिख लें, सिंस द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो उस केस में नाइट्रोजन जो घुला है थोड़ा सा उसको हम बोल देंगे कि वो ऑलमोस्ट नथिंग है। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इसको हमने अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के इक्वल ले लिया। अब देखो मोल फ्रैक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 1.29 × 10⁻¹⁵ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मुझे निकालना है। बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, देखो वाटर मुझे दे रखा था कितना, वाटर मुझे दे रखा था 1 लीटर। और मुझे मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे मोल निकालने के लिए वैल्यू किलो में चाहिए। अब देखो पानी जो है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास में वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी 1 है तो मास और वॉल्यूम क्या हो जाने वाले हैं, सेम, मीन्स 1 किलो पानी और 1 लीटर पानी दोनों क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो उस केस में यहां पर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालें तो उस केस में 1000 / 18 तो कितना आएगा, 55.55 आ जाता है। सो 55.55 आ जाएगा। सो यहां से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को कैलकुलेट कर लें, सो कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल आंसर आता है, फाइनल आंसर इज 7.16 × 10⁻⁴ यह आ गया हमारे पास मोल। मगर हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मिली मोल्स। अब देखो मिली के लिए क्या करें कि जो 7.16 है 10⁻¹ और 10⁻³ -4 को हमने ऐसे तोड़ दिया और ये क्या था, मोल्स। अब देखो मिली का मतलब कितना होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³। तो यहां पर क्या, इसको हम लिख सकते हैं मिली, ये तो रहा मोल, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 0.716। सो जो हमारे पास नाइट्रोजन के मिली मोल्स आए 1 लीटर पानी में कितना घुले हुए रहेंगे एट 0.97 बार इज 0.716 मिली मोल्स घुले रहेंगे नाइट्रोजन के उस प्रेशर पे। सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ये हमें दे रखा है 0.8 और जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है 10⁵ atm। सो देखो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, हमें बोला है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्वड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के हमें 10 मोल्स दे रखे हैं, 10 मोल्स ऑफ वाटर में कितना नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएगा जब टोटल प्रेशर 5 atm लग रहा हो। अब देखो यहां गलती मत करना, ये जो प्रेशर है हमारे पास कौन सा दे रखा है, ये टोटल प्रेशर दे रखा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि ये हमारे पास नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है। हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं ये, यहां पर हमें जो प्रेशर चाहिए होता है वो चाहिए होता है जिस गैस की हम सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हम सॉल्युबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, हम सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं नाइट्रोजन की। सो हमें यहां पर जो प्रेशर चाहिए होगा वो किसका चाहिए होगा, वो चाहिए होगा सिर्फ नाइट्रोजन का। सो हम सबसे पहला काम तो ये कर लेंगे, हम निकाल लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। और पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
ये हमारे पास जो टोटल प्रेशर है उसको हम उस गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास उस गैस का पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पर जो गैस है वो है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, टोटल प्रेशर में से मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। सो टोटल प्रेशर 5 है और मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन इज 0.8। सो ये आ गया हमारे पास 4 atm। अब देखो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ चुका है 4। KH की वैल्यू हमें पता है, KH की वैल्यू हमें दे रखी है 10 की पावर 5। सो KH की वैल्यू है 10 की पावर 5। अब देखो मोल फ्रैक्शन यहाँ किसका लेंगे हम, नाइट्रोजन का। तो कैसे निकाला होगा मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पानी के कितने मोल दे रखे हैं 10 मोल। बस अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो। सो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी 4 × 10⁻⁴। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सो हमारे पास KH4CO2 दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में 1.67 × 10⁸ पास्कल्स एट 298 केल्विन। हमें बोला है कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 डिसॉल्वड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली रहती है, CO2 डिसॉल्वड रहती है। सो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 डिसॉल्वड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। सो हमारे पास एक बोतल है, उस बोतल में हमने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। पानी कितना है, 500 ml है। और उस 500 ml पानी को हमने CO2 डिसॉल्व किया है उसने, और उस 500 ml पानी में हमने क्या डिसॉल्व किया है, CO2 डिसॉल्व किया है। और जो प्रेशर लगाया गया है वो कितना प्रेशर लगाया गया है, वो 2.5 atm का प्रेशर लगाया हुआ है। हमें बताना है कि 500 ml पानी में कितना CO2 डिसॉल्व हो जाएगा 2.5 atm का प्रेशर लगाने पे। अब देखो यहां पर KH की वैल्यू पता है हमें, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 डिसॉल्व, तो क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वांटिटी निकालने इसका मतलब क्या निकालना है, वेट निकालना है। और वेट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे मोल निकालना पड़ेगा CO2 का। सो मोल फ्रैक्शन से तो मोल निकालना आता ही आपको, तो चलो सबसे पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, P = KHx। तो यहां पर एक दिक्कत क्या है कि हमारे पास जो हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है पास्कल्स में, इसके अलावा जो प्रेशर हमें दे रखा है, जो CO2 पे लग रखा है, वो दे रखा है atm में। सो एक यूनिट पास्कल में है, एक यूनिट atm में है। सो ऐसे हम अलग अलग यूनिट्स को जोड़ नहीं सकते, तो क्या करना है, सबसे पहले हेनरी कांस्टेंट की यूनिट को हम चेंज कर नहीं सकते, मगर हमारे पास जो प्रेशर दे रखा है इस प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं। सो पहला काम तो यही करो कि atm को पास्कल में कन्वर्ट करो, और जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल। ये हमारे पास होता है कन्वर्जन फैक्टर। सो हमारे पास प्रेशर कितना है, 2.5 atm। सो 2.5 atm में कितने पास्कल हो जाएंगे, 2.5325 × 10⁵ पास्कल। अब ये आ चुका है मेरे पास जो हम CO2 पे प्रेशर लगा रहे हैं, मींस ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आ चुका है किसमें, पास्कल्स में आ चुका है। अब चलो पुट करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P = KHx। पार्शियल प्रेशर हमने निकाल लिया है 2.533 × 10⁵, राउंड ऑफ कर लिया इसको। KH की वैल्यू हमें दे रखी है एंड इट इज 1.67 × 10⁸। 1.67 × 10⁸। और यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आने वाला है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप, तो 1.52 × 10⁻³। ये आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकाला कैसे गया होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 रखा गया होगा ऊपर, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो यहां पर हम यूज करेंगे नेगलेक्शन का, आप नेगलेक्शन का यूज किए बिना भी निकाल सकते हैं इसे। सो यहां पर दो आंसर आते हैं, एक तो अगर आप नेगलेक्शन का यूज करेंगे तो आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा, और आप नेगलेक्शन का यूज नहीं करेंगे तो आंसर थोड़ा सा और वेरी करेगा। सो यहां पर हम नेगलेक्ट करके निकाल लेते हैं। सो देखो हम यहां पर लिखेंगे, सिंस द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दे कैन बी टेकन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो पानी में CO2 बहुत कम घुला हुआ है, सो यहां पर जो 500 ml पानी दे रखा है हमें, 500 ml पानी को हम क्या बोल सकते हैं कि वो दे रखा है हमें 500 ग्राम पानी, CO2 बहुत कम घुला हुआ है इस केस में। सो हमने क्या किया, उसको 500 ग्राम पानी ले लिया है। अगर हमारे पास डेंसिटी दे रखी होती क्वेश्चन में तो उस केस में हम प्रॉपर आंसर निकालते, मगर क्योंकि डेंसिटी नहीं दे रखी क्वेश्चन में
इसमें वॉल्यूम से मास नहीं निकाल सकता, मैंने इसको अप्रोक्स में ही मान लिया है। तो 500 ml जो पानी था उसको मैंने क्या ले लिया है, 500 ग्राम वाटर ले लिया है। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कैसे आया होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और नीचे हमने अप्रोक्स में लेके उसको क्या कर लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बस वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाला है हमने 1.52 × 10⁻³ निकाला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और पानी का मोल निकालोगे तो 500/18 ऐसे निकालते हैं ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 500 ml के लिए 27.78। बस अब यहां से करो कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, इन दोनों को करोगे कैलकुलेट तो फाइनली जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आने वाला है वो आने वाला है 0.042। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। मगर हमें निकालना क्या था, स्टार्टिंग में बताया था हमें वेट निकालना था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं वेट और बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है CO2 का 44, तो 0.042 इसको सॉल्व करेंगे तो जो वेट आ जाएगा CO2 का कि कितना घुला है वो 500 ml पानी में 2.58 ml प्रेशर पे, वो आ जाएगा 1.848 ग्राम। मींस अगर हम 2.58 ml का प्रेशर लगाएंगे 500 ml पानी पे तो कितना CO2 घुल जाएगा, उसमें घुल जाएगा 1.84 ग्राम CO2 डिसॉल्व हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में आ रखा है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, धुआं से निकलते हैं इसके, एक बार जब हम करते हैं नेग्लेक्शन, एक बार जब करते नहीं है हम नेग्लेक्शन। सो ये जो हमने निकाला है ये नेग्लेक्ट करके निकाला है, तो आप भी इसको यूज कर लेना, इजी है। तो क्वेश्चन बोल रखा है कि जो एयर है, एयर में 20% ऑक्सीजन है और 79% नाइट्रोजन है। हमें जो हेनरी कॉन्स्टेंट है ऑक्सीजन और हेनरी कॉन्स्टेंट नाइट्रोजन, इनकी वैल्यू दे रखी है। ऑक्सीजन का हेनरी कॉन्स्टेंट है 3.3 × 10⁻¹⁷, और ये जो हमें वैल्यू दे रखी है ये MMHg में दे रखी है, और नाइट्रोजन के लिए दे रखा है 6.51 × 10⁻¹⁷। और जो टोटल प्रेशर दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, लास्ट में दे रखा है, जो NCERT का एक्सरसाइज है उसमें लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन, तो आप एक बार प्रॉपर क्वेश्चन देख लेना उसकी लैंग्वेज क्या है, मैं उसमें जब इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख देता हूँ। टोटल प्रेशर जो है वो 10 atm दे रखा है हमें, और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर। सो कंपोजिशन निकालना है, कौन सी गैस कितना घुली है पानी में, तो निकालना फाइनली हमें मोल फ्रैक्शन ही है, मोल फ्रैक्शन बता देना कौन सी गैस कितनी घुली है। सो यहां पर हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है इन गैसेज का। अब देखो यहां पर दोबारा से वही दिक्कत जो हमने पहले देखी थी, टोटल प्रेशर हमें दे रखा है एटीएम में, हेनरी कॉन्स्टेंट हमें दे रखा है MMHg में। सो उस केस में हम क्या करेंगे, जो MMHg वाली वैल्यू है उसे तो हम चेंज कर नहीं सकते, जो कॉन्स्टेंट दे रखा है वो तो फिक्स है, हमारे पास जो प्रेशर दे रखा है हम उसे चेंज कर लेंगे। उससे भी पहले जो हमारे पास टोटल प्रेशर 10 atm लग रहा है, मगर जब भी हम हेनरी कॉन्स्टेंट या हेनरी लॉ निकालते हैं तो उस केस में प्रेशर कौन सा चाहिए होता है, हमें प्रेशर चाहिए होता है पार्शियल प्रेशर, कि जो ऑक्सीजन है वो अकेला कितना प्रेशर लगा रहा होगा और जो नाइट्रोजन है वो अकेला कितना प्रेशर लगा रहा होगा। सो ऑक्सीजन कितना था 20%, सो टोटल प्रेशर का 20% कौन लगा रहा है, 20% लगा रहा है ऑक्सीजन। तो यहां से कट कर लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 atm, और नाइट्रोजन कितना था 79%, सो 79% टोटल प्रेशर का कौन लगा रहा है, नाइट्रोजन। सो यहां से काट पीट के हमारे पास आ जाएगा 7.9 atm। सो 10 atm में से 2 atm तो लगा रहे हैं ऑक्सीजन, और 7.9 atm कौन लगा रहा है, नाइट्रोजन लगा रहा है। अब ये हमारे पास एटीएम में आया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं MMHg में। अब देखो 1 atm इज इक्वल टू 760 MMHg होता है, ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है, इसको ध्यान रखना। सो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, सो ऑक्सीजन 2 atm था, तो 2 atm में कितना हो जाएगा, 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1520 MMHg। सो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ चुका है MMHg में। इसके अलावा हम बात करें नाइट्रोजन की, सो नाइट्रोजन 7.9 था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से, यहां पर आ जाएगा ये 6004 MMHg। सो दोनों के पार्शियल प्रेशर आ चुके हैं MMHg में। बस अब सिंपली फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P = KHX, हमें यही निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम ऑक्सीजन के लिए, पार्शियल प्रेशर किसका रखेंगे ऑक्सीजन का, हेनरी कॉन्स्टेंट किसका यूज करेंगे ऑक्सीजन का। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना निकाला है हमने 1520, और हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, हेनरी कॉन्स्टेंट इज गिवन फॉर ऑक्सीजन इट इज 3.3 × 10⁻⁷।
3.3 × 10⁻⁷। इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये आ जाएगा 4.61 × 10⁻⁵। मोल फ्रैक्शन है तो कोई यूनिट इसकी नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर निकालें नाइट्रोजन के लिए, सो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है इट इज 6004 और नाइट्रोजन का जो हेनरी कांस्टेंट दे रखा है इट इज 6.51 × 10⁻⁷। इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये आ जाएगा 9.22 × 10⁻⁵। ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये होगा। आप क्वेश्चन को साथ साथ में लिखते रहे, एक बार कॉपी में उसको पूरा देखें कि ऊपर से नीचे तक कि फाइनली कैसे हुआ है वो, क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो यहाँ पर पूरा एक साथ क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। तो आप कॉपी में लिख के उसको एक बार समझे, नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो को बैक करके दोबारा से देखें। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन बोला हुआ है कि हमें एक ग्राफ दे रखा है, ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ये हमें दे रखा है ग्राफ, और इस ग्राफ से रिलेटेड हमें ये चार पॉइंट दे रखे हैं ABCD में जो आपको दिख रहे हैं, ये ए बी सी और डी, ये चार पॉइंट दे रखे हैं। हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा सही है इस ग्राफ के लिए। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ, ऊपर जो है थोड़ी मिस हो गई थी। सो यहाँ पर अगर हम बात करें हेनरीज लॉ के रिस्पेक्ट में, सो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। किसी गैस का लिक्विड में घुलना एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स अगर हमारे पास कोई लिक्विड है उसमें हम गैस घोल रहे हैं, सो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड भी आ सकती है और क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। सो देखो जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है उसी से रिलेट करता है ये। इसमें अगर हम ली चैटलियस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, सो देखो इस रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, हीट निकलना चाह रही है। सो हीट निकलना चाह रही है, सो अगर हम टेम्परेचर को कम रखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ऊपर में देखा था कि कम टेम्परेचर पे गैस क्या होती है, कम टेम्परेचर पे गैस ज्यादा सोलेबल होती है इन लिक्विड। सो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस का डिसोल्यूशन लिक्विड में कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकालना चाह रहा है, इसीलिए कम टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो फेवर होती है। सो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरा इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक ये सब आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। हमारे पास दो बर्तन है, एक बर्तन में गर्म पानी है, एक बर्तन में ठंडा पानी है। ठीक है, उसमें हम घोल रहे हैं, एक चम्मच चीनी इसमें घोलो और एक चम्मच चीनी इसमें घोलो, तो बताओ किस वाले में चीनी जल्दी घुल जाएगी। नॉर्मल सी बात है, हमने देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है, गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, जो डिसोल्यूशन है किसी सॉलिड का लिक्विड में वो कैसा है, गर्म में जल्दी हो रहा है। मगर यहां पर क्या हो रहा है, गर्म पानी में तुम गैस घोल के दिखाओ घुलेगी ही नहीं, ठंडे पानी में घुलती है। सो यहां पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर ए सॉलिड टू डिजोल्व इन लिक्विड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। सो हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, यहां पर टेम्परेचर है और यहां पर सॉल्युबिलिटी है, और हमें दे रखे हैं चार ऑप्शन, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी किस केस में बढ़ती है, व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। उस केस में जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो जब पानी गर्म होगा तो उस केस में जो सॉल्यूट है और वी कैन से शुगर और सॉल्ट, वो पानी में जल्दी घुलेगा, गर्म पानी में जल्दी घुलते हैं। क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड इज एंडोथर्मिक इन नेचर। सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मगर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो जब टेम्परेचर बढ़े और सॉल्युबिलिटी कम हो तो उस केस में जो रिएक्शन है कैसी हो जाती है, तो रिएक्शन हो जाती है एक्सोथर्मिक। मीन्स रिएक्शन हीट निकालना चाह रही है मगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो पहले स्टेप में तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है 32.4 डिग्री तक, उसके बाद रिएक्शन क्या हो गई है, एक्सोथर्मिक हो गई है। तो इन चारों में से देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। सो सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक टिल 32.4 एंड एक्सोथर्मिक देयर आफ्टर। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये हमारे पास दे रखा है चार ग्राफ, इन चारों में से पूछा है कि इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हेनरीज लॉ को। अब देखो मास और प्रेशर इसके बीच में बताना है हमें रिलेशन। सो मास और प्रेशर के बीच में कैसे रिलेशन होता है, इस तरह का बताया था हमने, और यहां पर लॉग ले रखा है तो तुम भी लॉग ले लो। सो यहां पर लॉग ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग एम इज इक्वल टू लॉग के एच, ऊपर ये लिखवाया था ये वाला रिलेशन, और यहां हो जाएगा लॉग पी। लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर दो, वाई इज इक्वल टू एक्स पे क्या रखना है, पी रखना है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा एम एक्स, और ये बचा हमारा इंटरसेप्ट।
सो देखो स्लोप कैसा है, यहाँ पर जो एम आ रहा है क्या है, वन है, तो स्लोप पॉजिटिव है विद सम इंटरसेप्ट, स्लोप पॉजिटिव विद सम इंटरसेप्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ए। क्वेश्चन हमारे पास कि हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये चार गैस दे रखी है, उन चार गैस के लिए हमें दे रखा है हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू और हमें दे रखे हैं चार ग्राफ, उन चार ग्राफ में से हमें बताना है कौन सा करेक्ट ग्राफ है। सो ये बना लिया हमने चारों ग्राफ, चार गैस हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई जेड उनके लिए दे रखा है हमें हेनरी कॉन्स्टेंट और ये चार ग्राफ दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। अब देखो नीचे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मगर जब हम हेनरी कॉन्स्टेंट लिखते हैं तो देखो कैसे लिखते हैं, पी इक्वल टू के एच और काई, ये जो हेनरी कॉन्स्टेंट है किसका होता है, ये होता है गैस का, और गैस का यहाँ पर सॉल्यूट है, पार्शियल प्रेशर किसका रहता है, सॉल्यूट का रहता है, गैस का रहता है, तो यहाँ पर हम क्यों ना गैस ही लिख दें, सो पार्शियल प्रेशर रहेगा गैस का। अब देखो यहाँ पर जो मुझे मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ये मोल फ्रैक्शन वाटर का दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, सो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सो पी इक्वल टू के एच और यहाँ पर जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इसे क्या लिख सकते हैं, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यहां से जब इसको तमीज से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के एच माइनस के एच और काई वाटर, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब देखो अगर मैं इसको लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूं, सो हमें एक्स एक्सिस पे रखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और वाई एक्सिस पे रखना है पार्शियल प्रेशर, सो ये तो वाई एक्सिस पे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर और एक्स एक्सिस पे रहेगा ये, तो ये हो गया हमारे पास एम एक्स और ये हो गया इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट से तो हमें कुछ देखना नहीं है तो इसको तो हटाओ, हमें किसको देखना है, हमें देखनी है स्लोप, चारों ग्राफ की स्लोप देखनी है। अब देखो स्लोप कैसी आ रही है, यहाँ पर स्लोप आ रही है नेगेटिव, माइनस एम आ रहा है स्लोप, तो स्लोप जो है वो हमारे पास माइनस के एच आ रही है। अब देखो इसमें से इसकी स्लोप पॉजिटिव है जो ए ऑप्शन है और जो बी ऑप्शन है इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है, सो इन दो को तो पहले काटो, ये होंगे नहीं क्योंकि इनकी स्लोप जा रही है पॉजिटिव, मगर हमें कहीं चाहिए कैसी, मगर हमें चाहिए स्लोप नेगेटिव, तो आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है सी और डी में से, इनमें से ही कोई आंसर होने वाला है क्योंकि इन दोनों की ही स्लोप नेगेटिव है। अब यहाँ पर एक बात देखो, जो जेड है जेड का हेनरी कॉन्स्टेंट सबसे ज्यादा है और जो हमें स्लोप चाहिए नेगेटिव, तो देखो अगर हम बात करें इस वाले जेड में और इस वाले जेड में तो बताओ नेगेटिव टेरिटरी में सबसे पहले कौन फॉल करेगा, देखो ये तो जा रहा है पॉजिटिव, ये बहुत हद तक बहुत समय तक पॉजिटिव में ही रहने वाला है, मगर इस वाले जेड को देखो यहां पर ये नेगेटिव टेरिटरी में बहुत जल्दी फॉल करेगा, स्लोप क्या हो रहा है बहुत जल्दी गिर जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आंसर जो है वो हो जाएगा डी। इसमें एक और चीज याद रख सकते हो कि हायर स्लोप का मतलब है हायर के एच और लोअर स्लोप का मतलब रहेगा लोअर के एच, सो यहां पर जो जेड है इसका दे रखा है के एच 40 और क्योंकि माइनस में लेना है तो क्या हो जाएगा माइनस 40, तो जो माइनस 40 हो रहा है तो के एच कैसा हुआ लोअर, तो अगर लोअर के एच हुआ तो स्लोप ही कैसा होगा लोअर होगा, सो इस केस में देखो इसका स्लोप क्या है हायर जा रहा है और इसका स्लोप क्या आ रहा है लोअर आ रहा है, तो इस केस में आंसर क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी, ये 2019 का जेई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड में अक्सर करके इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो हर साल मिल ही जाता है, तो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखो बहुत सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं तो फटाफट इसको लिख लेते हैं, तो सबसे पहला सॉफ्ट ड्रिंक्स आर फिल्ड एट हाई प्रेशर, और सॉफ्ट ड्रिंक को हाई प्रेशर पे क्यों फिल किया जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पे जो सॉलिबिलिटी होती है गैस की वो ज्यादा होती है, एंड सर्व्ड चिल्ड, और ठंडाई क्यों दिया जाता है क्योंकि कम टेम्परेचर पे ज्यादा सॉलिबिलिटी होती है गैस की, तो सबसे पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा फिश स्विम कंफर्टेबली इन कोल्ड वाटर, सो जैसे ये हमारे पास पानी है सो पानी में जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर जो है वो गर्म होती है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाली लेयर, क्योंकि जो सन रे है वो वहां पर डायरेक्ट ही आ रही होती है, सो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर है ज्यादा, तो ऊपर वाली लेयर में जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम रहता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, सो टेम्परेचर कम होता जाएगा तो यहाँ पर जो गैस है वो ज्यादा सॉल्युबल होगी, सो जब गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो ऑक्सीजन ज्यादा यहाँ पर, सो मछलियां जो है वो गहरे पानी में आसानी से तैर लेती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले पोर्शन में, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एप्लीकेशन फिश स्विम कंफर्टेबली इन कोल्ड वाटर
नेक्स्ट जो तीसरा है वो हम समझने वाले हैं बेंडिंग सिकनेस को। सो बेंडिंग सिकनेस वाला केस जो है वो कहां आता है, वो आता है स्कूबा डाइवर के साथ। अब स्कूबा डाइवर क्या होते हैं, स्कूबा डाइवर वो होते हैं जो कि हिंदी में कहें तो गोताखोर होते हैं, जो जो सी बेड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए नीचे जाते हैं पीछे अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर टांग के। तो ये जो इमेज दिख रही है इस तरह के होते हैं हमारे पास स्कूबा डाइवर्स। अब देखो होता क्या है कि लाइक सपोज करो कि हम पहले बना लेते हैं पानी। सो ये हमारे पास हो गया समुद्र, पानी बना लिया हमने, ठीक है, पानी पीला पीला हो गया है, पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड पानी में वैसे ही ऑक्सीजन कम होता है, जो उसका बीओडी है वो बढ़ा हुआ रहता है। बायो वाले लोग समझ रहे होंगे व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो यहां पर ये जो है ये सरफेस है और ये डीप में है, तो उसके बाद जब ऑक्सीजन का सिलेंडर टांग के नीचे जाते हैं, सो नीचे जाते हुए क्या होता है, नीचे जाते हुए जो प्रेशर है वो बढ़ता है। और हमें पता है कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। सो जब स्कूबा डाइवर एकदम नीचे चला जाएगा तो नीचे जाने पे क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की इन ब्लड वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नीचे जाके एकदम बढ़िया सांस आएगी क्योंकि जो प्रेशर है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ब्लड में गैस जो है बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी, तो नीचे जाके एकदम जबरदस्त मस्त सांस आएगी। अब देखो होने क्या वाला है कि नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, सांस आ रही है, मगर जब ये स्कूबा डाइवर ऊपर आना स्टार्ट करेगा दिक्कत अब स्टार्ट होगी। इसको समझने के लिए सबसे पहला जो हम समझते हैं कि अगर आप पेप्सी की बोतल अचानक से खोल देते हो तो क्या होगा। देखो सो ये हमारे पास है बोतल, नकल लगा हुआ है इसका। अब देखो आप पेप्सी की बोतल दो तरीके से खोलो, आपने कभी ना कभी ट्राई किया होगा ये दोस्तों के साथ या कहीं और। अगर हम पेप्सी की बोतल एकदम अचानक से बिल्कुल हिला के और अचानक से खोल देते हैं, तो अचानक से खोलने पे क्या होता है कि जो बबल है वो इतनी तेजी से निकलता है कि पेप्सी भी साथ में क्या होती है, बाहर निकल जाती है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि बोतल है और उसको हम तमीज के साथ खोल रहे हैं, तो धीरे धीरे खोलेंगे तो यहां से पेप्सी नहीं गिरती है, बबल फॉर्मेशन कम होता है। वही केस होने वाला है यहां पर, क्योंकि जब स्कूबा डाइवर नीचे था तो वहां पर जो गैस थी ब्लड में घुल गई थी, जैसे ही वो ऊपर आया वैसे ही क्या होने लगा, जो प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगा। तो जब प्रेशर अचानक से डिक्रीज होता है तो जो गैस घुल रखी है, जो गैस घुल रखी है वो क्या होगा, वो अचानक से निकलना चाहेगी। सो जब गैस अचानक से कहीं से निकलती है तो क्या होती है, बबल फॉर्मेशन हो जाता है। सो जब ये पर्सन ऊपर आएगा, अचानक से प्रेशर कम हुआ और अचानक से प्रेशर कम होने की वजह से जो ब्लड में बबल्स हैं वो बन जाएंगे, क्या हो जाएगा, बबल फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो बबल्स बनते हैं कौन सी गैस के बनते हैं, तो आंसर है नाइट्रोजन के बनते हैं। ऑक्सीजन मत लगा देना, बबल जो है किसके बनते हैं, नाइट्रोजन गैस के बनते हैं। अब जब ब्लड में नाइट्रोजन आ गया तो उस केस में क्या होगा, बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि देखो लाइक सपोज करो ये हमारा हो गया ब्रेन, अब ब्रेन में जो आर्टरी वगैरह होती है ये होती है बहुत पतली, इतनी पतली कि यहां से एक एक आरबीसी गुजर सकता है, इतनी पतली होती है। अब होगा क्या कि अगर यहां पर एक बबल आ गया तो बबल क्या करेगा, पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। तो जब इसने पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो आगे जो टिश्यू है जिसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन यहां से जा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहां तो ब्लॉक हो रखा है। सो वहां पर क्या होगा, उस केस में जो डेथ है वो भी हो सकती है अगर बबल ज्यादा बन गए तो, और पर्सन को सांस ही नहीं आएगा, तो पर्सन क्या करेगा, झुक झुक के सांस लेगा। नॉर्मल पर्सन कैसे सांस लेते हैं, ऐसे रहते हैं, मगर जब हम लाइक सपोज करो कि बहुत ज्यादा दौड़ के आते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे झुक के सांस लेने लगते हैं। सो जब झुक के सांस लेने लगेंगे सो इसे क्या कहते हैं, इसे बेंडिंग कहते हैं, झुकना इज कॉल्ड बेंडिंग। और क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या हो गए, हम सिक हो गए, तो ये क्या हो गया, बेंडिंग सिकनेस। सो बेंडिंग सिकनेस क्या होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कब, जब स्कूबा डाइवर क्या होते हैं ऊपर आ रहे होते हैं। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज द गैस डिसॉल्व्ड इन ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड एब्रप्टली कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बेंडिंग सिकनेस। सो ऐसा पहले हुआ करता था, मगर बाद में जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या खोजा कि जो हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है, पहले उसमें क्या होता था, ऑक्सीजन होता था और नाइट्रोजन होता था, उसमें भर के और नीचे चले जाते थे। कौन सा कंसेप्ट यूज किया कि हमारे पास जो एयर है, जो हम नॉर्मली एयर इनहेल करते हैं, उसमें क्या होता है, उनमें 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होता है, तो हमने सिलेंडर में भी वही भर दिया, मगर वहां पर दिक्कत आने लगी, बेंडिंग सिकनेस होने लगी। तो यहां पर किया क्या, हमने यहां पर एक तीसरी गैस ऐड की, नाइट्रोजन का अमाउंट थोड़ा कम किया और गैस कौन सी ऐड की, हीलियम ऐड की।
अब हीलियम को क्यों ऐड किया? क्योंकि हीलियम जो है इट इज इनसॉल्युबल इन ब्लड। क्वेश्चन आता है कि व्हाई हीलियम इज एडेड इन स्कूबा डाइवर एपरेटस, तो आंसर क्या लिखना है? बिकॉज हीलियम इज इनसॉल्युबल इन ब्लड, सो इट प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ बेंडिंग सिकनेस। अब देखो हीलियम इनसॉल्युबल है तो इसे होगा क्या कि दोबारा से आते हैं अपने इसी पानी पे। सो देखो इस बार जो स्कूबा डाइवर है उसने क्या किया है, उसके पास जो सिलेंडर रखा हुआ है, उसकी पीठ पे जो सिलेंडर है उसने क्या किया है, उसमें हीलियम भी ऐड किया हुआ गैस है। सो जब हीलियम के साथ वो इनहेल करेगा तो जब नीचे जाएगा, सो जब गैस इनहेल करेगा तो उस केस में जो हीलियम है वो तो ब्लड में घुलेगा नहीं। जब हीलियम ब्लड में घुला नहीं सो ब्लड में जो टोटल गैस डिजोल्व थी वो क्या रही, कम रही। और जब ब्लड में गैस घुला नहीं है तो जब ऊपर आएगा तो निकलेगा भी नहीं, और जब गैस निकलेगा नहीं तो बबल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो हीलियम है वो प्रिवेंट करता है बेंडिंग सिकनेस को। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विच गैस इज एडेड टू प्रिवेंट द बेंडिंग सिकनेस, आंसर इज हीलियम। दूसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाई हीलियम इज एडेड इन स्कूबा डाइवर एपरेटस, तो आंसर इज बिकॉज हीलियम इज इनसॉल्युबल इन ब्लड, और वी कैन से द सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड इज वेरी 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 लो। सो ये दो तीन एप्लीकेशन थे इसके, हेनरीज लॉ के। एक चौथा एप्लीकेशन भी आ जाता है कि अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड्स की, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। सो जो प्रेशर कम होता है तो वहां पर जो पर्सन रहते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं वैष्णो देवी वगैरह, तो वहां पर क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? वहां पर जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन क्या है, कम है। सो उस केस में ये जो माउंटेनर्स वगैरह हैं वो अपने साथ पीछे क्या भर के ले जाते हैं, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर भर के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में प्रेशर कम, और प्रेशर कम तो जो गैस है उसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम। तो ये भी किसका एप्लीकेशन आ गया है, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन आ गया है। सो ये सब थे हमारे पास हेनरीज लॉ के क्वेश्चन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। इस तरह से हमारा जो हेनरीज लॉ है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब टू द प्लेरिपोटेंट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन एडमिशन कैरियर्स आफ्टर योर क्लास 12th एंड मोर सच केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग।